हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग और एक सुंदर प्लेस के बारे में जानेंगे और मैं खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। इसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप दिल्ली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इंडिया गेट और लाल किला के अलावा एक और डेस्टिनेशन है जो दिल्ली के प्रमुख आकर्षणों में से एक है, और वो है लोटस टेम्पल। दिल्ली के नेहरू प्लेस में स्थित लोटस टेम्पल एक बहाई उपासना मंदिर है, जहां न ही कोई मूर्ति है और न ही किसी प्रकार की पूजा पाठ की जाती है। लोग यहां आते हैं शांति और सुकून का अनुभव करने। कमल के समान बनी इस मंदिर की आकृति के कारण इसे लोटस टेम्पल कहा जाता है। इसका निर्माण साल 1986 में किया गया था, ये वजह है इसे 20वीं सदी का ताजमहल भी कहा जाता है। भारतीय परंपरा में कमल को शांति और पवित्रता के सूचक और ईश्वर के अवतार के रूप में देखा जाता है। मंदिर का वास्तु पर्शियन आर्किटेक्ट फरीवर सहावा द्वारा तैयार किया गया है। दुनिया भर में आधुनिक वास्तुकला के नमूने में से एक लोटस टेम्पल भी है। इसका निर्माण बहाउल्लाह ने करवाया था। बहाई धर्म के मुताबिक विश्व के सभी मानव धर्म का एक ही मूल है। बहाई धर्म का पालन करने वाले लोग इसके संस्थापक बहाउल्लाह को मोहम्मद, बुद्ध, कृष्ण, ईसा मसीह आदि का अवतार और इसकी वापसी मानते हैं। एकीकरण पर जोर देने वाले बहाई धर्म के अनुयायी दुनिया के कोने कोने में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये नई धर्म किसी भी तरह की मूर्ति पूजा एवं मौलवी, पादवी, पुजारी, धर्म गुरु आदि में विश्वास नहीं करता, और ना ही जाति, धर्म, रंग, भाषा, वर्ण आदि किसी भी चीज़ को नहीं मानता। ये मंदिर किसी एक धर्म के दायरे में सिमट कर नहीं रह गया। यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं और शांति और सुकून का लाभ प्राप्त करते हैं। इसके निर्माण में करीब $1 करोड़ खर्च हुआ है। मंदिर आधे खिले कमल की आकृति में संगमरमर की 27 पंखुड़ियों से बनाया गया है, जो कि 3 चक्रों में व्यवस्थित है। मंदिर चारों ओर से 9 दरवाजे से घिरा है और बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा हॉल स्थित है, जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है, जहां करीब 2500 लोग एक साथ बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं और मानसिक सुकून, शांति एवं सादगी प्राप्त कर सकते हैं। इस मंदिर में निर्धारित समय पर होने वाली प्रार्थना में हिस्सा लेने के लिए हजारों लोग रोजाना यहां आते हैं। लोटस टेम्पल में हर घंटे में 5 मिनट के लिए विशेष प्रार्थना आयोजित की जाती है। इस मंदिर में ऊंची आवाज में या फिर जोर जोर से प्रार्थना करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा किसी भी तरह की संगीत के वाद्य यंत्रों को भी यहां बजाने की इजाज़त नहीं है। इस मंदिर के परिसर में बेहद सुंदर बड़े बड़े घास के मैदान, सफ़ेद विशाल भवन भी है। इसके अलावा मंदिर में साल 2003 में एक सूचना केंद्र भी स्थापित की गई थी। यहाँ स्थित सूचना केंद्र में लोटस टेम्पल के निर्माण और इसके इतिहास के साथ साथ बहाई धर्म और इसके सिद्धांतों को लेके जानकारी देता है। लोटस टेम्पल में एक ऑडियो विजुअल रूम भी है और लाइब्रेरी भी है, जहाँ पर्यटकों के लिए कई धार्मिक पुस्तकें भी रखी गई है। इस मंदिर में किसी भी देवता की कोई प्रतिमा नहीं मौजूद है और ना ही इधर आज तक किसी तरह का पूजा और अनुष्ठान किया गया है। ये सभी धर्म के लोगों के लिए खुला हुआ है। ये मंदिर भारत की अनेकता एवं एकता के सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। इस मंदिर की सुंदर बनावट की वजह से इसे 20वीं सदी का ताजमहल भी कहा जाता है। अपने अनोखे वास्तुशिल्प के लिए प्रसिद्ध इस मंदिर के बीचों बीच एक तालाब भी है, जिस पर देखने पर ऐसा लगता है कि मानो पानी में कमल का फूल तैर रहा है। इसके अनोखे आर्किटेक्चर के लिए ये कई देशों से पुरस्कार भी पा चुका है। साल 2001 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जगह बताया जाता है। आपको बता दें कि लोटस टेम्पल को विश्व में 7 बहाई मंदिरों में से आखिरी मंदिर माना जाता है। इसके अलावा बहाई धर्म के अन्य मंदिर कंपाला, सिडनी, इलिनाइस, फ्रैंकफर्ट, विलमेट, पनामा, अपिया में है। करीब 26 एकड़ जमीन में बना ये मंदिर की आकर्षण डिजाइन देखने दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आप मेट्रो का प्रयोग कर सकते हैं। नेहरू प्लेस से कालकाजी मेट्रो स्टेशन पहुँचने के बाद 5 मिनट में पैदल चलकर या फिर कोई रिक्शा लेकर
आप यहां पहुंच सकते हैं। गर्मियों के मौसम में सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक मंदिर खुला रहता है और वहीं सर्दियों में सुबह 9:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है। यहां कोई एंट्री फीस नहीं लगती है। इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट लोटस टेंपल का आर्किटेक्चर और हिस्ट्री पता किया, इस मंदिर का महत्व और सुंदर वातावरण के बारे में भी जाना। यहाँ पर मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए थे काफ़ी धूप था, लेकिन फिर भी हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा ये प्लेस आके, और लोटस टेंपल का ये सुंदर आर्किटेक्चर देख के दिल खुश हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी कम समय बिताया, लेकिन जितना भी समय बिताया इस वंडर आर्किटेक्चर को देख के काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे जो सूचना केंद्र है वो बंद था, ये जान के आश्चर्य लगा। इस लोटस टेंपल के लिए 700 इंजीनियर, टेक्नीशियंस, लेबर और कारीगर भी लगे थे। यहाँ का गार्डन बहुत ही सुंदर है। जिस दिन हम गए थे वहाँ काफ़ी भीड़ भी थी, क्योंकि लॉकडाउन के काफ़ी बाद ये खुला है। इंडिया का ये सुंदर हेरिटेज साइट को देख के बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।